का। देश भर में भाजपाइयों ने किया जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की सारी हदें पार, मोदी के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। अलीगढ़ में पठान मूवी को लेकर घमासान प्रदर्शन, भगवा रंग के अपमान को लेकर बवाल। रायबरेली में डॉक्टरों ने मालाओं के साथ लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में अज्ञात कार सवारों ने बाइक सवार को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में नई गाड़ी खरीदना पड़ा युवक को भारी, एक महीने में दो बार फूकी गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूरे देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसके चलते लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। भाजपा द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और आपको बता दें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान से माफी मांगने की बात कही गई। हर जगह पठान मूवी को लेकर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूवी में भगवा रंग को लेकर जमकर बवाल कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां हिंदूवादी छात्र नेताओं ने पठान मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हिंदूवादी छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पठान मूवी में भगवा रंग का अपमान किया गया है, जिसको लेकर पठान मूवी का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पठान मूवी में भगवा रंग का बदलाव नहीं किया गया तो फिर सिनेमाघरों में पठान मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार खुद सिनेमाघर के संचालक होंगे। भगवा रंग को बेशरम रंग बताकर हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। लगातार हम सब जानते हैं कि भगवा रंग हमारा हिंदू धर्म का पवित्र रंग है, इसका अपमान लगातार फिल्म के सितारे लगातार इस भगवा रंग का अपमान कर रहे हैं। इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हमने एक मार्च निकालते हुए उस पठान मूवी के कलाकार दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का पुतला दहन कर चेतावनी देना चाहते हैं इस अलीगढ़ की धरती से कि अगर इस रंग के गाने के बोल या उसमें जो ड्रेस दर्शाई गई है भगवा रंग में उसको बदला जाए, अन्यथा की स्थिति में अलीगढ़ के किसी भी सिनेमाघर में अलीगढ़ में उस मूवी को हम लोग नहीं चलने देंगे। पठान मूवी जो जनवरी में रिलीज होने वाली है उसमें हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान करते हुए जो भगवा रंग जो हमारे साधु संत धारण करते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं जिस भगवा रंग को लेकर, उस रंग का जो है उस फिल्म के अंदर जिस तरह से अपमान किया जा रहा है उस चीज़ को लेकर कोई भी हिंदू छात्र हमारे अलीगढ़ के समस्त छात्र उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम यहाँ आज हमने पुतला दहन कर अलीगढ़ के प्रशासन को और मूवी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको चेतावनी दी है कि यह फिल्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रिलीज नहीं होने दें। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, क्षेत्राधिकारी लालगंज और चौकी प्रभारी नरपतगंज मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरों के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इससे पहले भी दोनों के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद में नाम बड़े और दर्शन छोड़
चिट्टे की कहावत सही साबित हुई। आपको बता दें, ये एक युवक ने नई गाड़ी खरीदी और युवक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। एक महीने में युवक की गाड़ी दो बार फूंक दी गई, जिसको लेकर युवक ने लगाई गाड़ी की कंपनी और नेशनल हाईवे के पास एजेंसी के अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीड़ित युवक के मुताबिक गाड़ी लेने के बाद 1500 किलोमीटर चलने पर गाड़ी दो बार फूंक गई। ठीक करवाने के दो दिन बाद फिर से गाड़ी फूंक गई। पीड़ित युवक ने कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से अपील की उसकी गाड़ी को बदल दिया जाए और कहा कि अगर गाड़ी नहीं बदली गई तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फरीदाबाद में महिंद्रा एजेंसी के बाहर खड़े हैं, जहां पर एक युवक ने गाड़ी ली है और काफी एजेंसी के प्रति नाराज है। क्या है पूरा मामला, उन भाई से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है सर। कुलदीप, क्या हुआ आपके साथ? सर जी, अभी मैंने 22 तारीख को प्राइम महिंद्रा ऑटोमोबाइल से फरीदाबाद से गाड़ी ली थी जी। तो सर, ये गाड़ी अभी मैंने 1500 किलोमीटर चलाई थी जी। 1500 किलोमीटर चलाने पे इस गाड़ी की क्लच प्लेट फूक गई, इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं आने लग गया। मैंने एजेंसी में दिखाया तो एजेंसी वाले कह रहे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आपने क्लच प्लेट फूक दी है। तो मैंने सर क्लच प्लेट चेंज करवाई अपनी। तो उसके बाद मैंने कहा सर, अगर मान लो क्लच प्लेट नई नई गाड़ी फूक गई है, फिर दोबारा फूक जाए, तो इनने कहा आप इस बार बनवा लो, अब नहीं फूकेगी, अगर फूकती है तो हम आपको एक्सचेंज करके देंगे गाड़ी। तो सर मैंने क्लच प्लेट अभी परसों डलवाई है इसकी, ठीक है, जिसकी 12000 रुपये कॉस्टिंग आई है। वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि एजेंसी देगा या मैं दूंगा, वो पेंडिंग में है। परसों चेंज करवाई है और आज फिर अभी मेरी गाड़ी मात्र 10-15 किलोमीटर चली होगी, फिर दोबारा क्लच प्लेट फूक गई है। तो एक महीना बीता नहीं है, दो बार गाड़ी क्लच प्लेट फूक गई है और इंजन भी खुल गया इसका सर। तो अब मैं ये गाड़ी को कैसे चलाऊँ सर? आदमी नई गाड़ी इसलिए लेता है कि 10-5 साल वो निश्चिंत हो जाए, गाड़ी में कोई खर्चा ना करे। अभी तो मेरी गाड़ी का नंबर भी नहीं आया, आप देख सकते हैं, और इसका हाफ इंजन खुल गया सर। मैं इस गाड़ी को कैसे चलाऊं मैं? तो मेरी एजेंसी से यही रिक्वेस्ट है, मेरे को इस गाड़ी को एक्सचेंज करके दिया जाए, ये गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा सर। तो कौन सी एजेंसी है, कहां पर है ये एजेंसी, क्या? ये एजेंसी सर फरीदाबाद में प्राइम ऑटोमोबाइल बल्लभगढ़ के नियर नज़दीक जी। तो एजेंसी से कोई बातचीत हो पाई है सर? एजेंसी में बात हुई थी, उनने ये कहा था क्लच प्लेट फूक गई है, अब नहीं फूकेगी। मैंने उनसे यही बोला था कि अगर दोबारा फूक जाती है तो उसका आप क्या करेंगे? उनने कहा आप दोबारा नहीं फूकेगी, अगर दोबारा फूकती है तो हम एक्सचेंज करके देंगे गाड़ी। या अब ये दोबारा फूक गई है, अब ये फिर कह रहे हैं हम चेक करेंगे। तो मैं नई नई गाड़ी को बार बार एजेंसी लेता हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के यही काम करता रहूँ कि गाड़ी चेक कराता रहूँ। एजेंसी के किसी मैनेजर से या कंपनी के किसी एम्प्लॉय से बात हो पाई आपकी? सर बात हुई थी सुबह से, तो गाड़ी खड़ी है मेरी, 12 बज गए थे, अभी तक कोई चेक नहीं हुआ है। तो कोई इन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, क्या कहेंगे? एजेंसी के मालिक भी हैं और एजेंसी पर गाड़ी भी कई लोग खरीदते हैं, क्योंकि नामी ब्रांड है, क्या कहेंगे? सर देखिए, महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन बट मैं चला रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है। तो मेरे लिए तो खराब गाड़ी है महिंद्रा की, क्योंकि मैंने पहली बार चलाई है और मेरे को पहली बार में इसमें दिक्कत आई है। तो मेरी तरफ से ये गाड़ी बिल्कुल जीरो है महिंद्रा की, जो कि एक महीना भी नहीं हुआ, दो बार गाड़ी क्लच प्लेट फूक गई है। तो मैं इस गाड़ी की महिंद्रा गाड़ी कैसे बढ़िया बोल सकता हूँ मैं? सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को इस गाड़ी को एक्सचेंज करके दूसरी गाड़ी दी जाए, मैं इस गाड़ी को नहीं चला सकता सर। कस्टमर नई गाड़ी इसलिए लेता है कि उसको कोई दिक्कत ना हो, और नई गाड़ी मुझे दो बार दिक्कत आ गई है एक महीने के अंदर अंदर। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं मेरे को ये चेंज करके एक्सचेंज करके दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप नाम है सर। ये तो कुलदीप, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिंद्रा की गाड़ी ली है और एक महीना बीते नहीं है, एक महीने में दो बार क्लच प्लेट फूक गई है, एजेंसी से ने बात करने की कोशिश की है और कंपनी का जो सुझाव है, जो जवाब है, वो इन्हें संतुष्ट नहीं मिल पा रहा। और एजेंसी के बाहर हैं, हम एजेंसी के बाहर दिखा दें कि इस कंपनी के अंदर ये अपनी गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि गाड़ी नहीं होगी, इसलिए युवक बाहर है और इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। और जिस महिंद्रा की गाड़ी है, इनसे महिंद्रा प्रशासन के जो अधिकारी बैठते हैं उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही इंसाफ मिलना चाहिए, या तो उनकी गाड़ी ठीक हो या तो इन्हें गाड़ी एक्सचेंज की जाए। फरीदाबाद से प्राइम टीवी के लिए मनोज सूर्यवंशी। इसको ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ, कंपनी से घर और घर से ऑफिस जाता हूँ, बस 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है सर। 1500 किलोमीटर चलने पर इस गाड़ी क्लच प्लेट फूक गई थी, इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग गया। मैंने 2 दिन पहले ये गाड़ी दिखाई थी तो उनने बोला कि क्लच प्लेट आपकी फूक गई है, तो मैंने इनके कहने पे क्लच प्लेट चेंज करवा दी सर। फिर दोबारा परसों आज फिर क्लच प्लेट फूक गई है। अब एक बार बताइए, नई गाड़ी में मैं बार बार सर रिपेयरिंग करवाता रहूँगा, इसका आधा इंजन खुल चुका है सर, मैं इस गाड़ी को कैसे चलाऊँ मैं? कब खरीदी थी आपने सर ये? मैंने 22 तारीख को खरीदी है गाड़ी, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, गाड़ी का नंबर भी नहीं आया है, और जिसमें दो बार गाड़ी का इंजन खुलने की तादाद पे आ गई है।
रायबरेली में जगतपुर में एक सीएससी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर तैनात डॉक्टरों ने बालाओं के साथ जमकर डांस किया। इसके साथ ही ठुमके लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला जगतपुर का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर जिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंके जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। इसको लेकर भाजपाइयों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर सैकड़ों भाजपाइयों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। उसकी और निंदा की जाती है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का बयान देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकित है, वह देश भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता है और इसलिए हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े बड़े देश आज उनका लोहा मानते हैं, इन सब चीज़ों से घबरा कर जरदारी ने जो आज या कल बयान दिया है उसकी निंदा भी है। आज हम पुतला फूंक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अलीगढ़ में थाना मडराक क्षेत्र के मुकंदपुर गांव में अज्ञात कार सवारों ने बाइक सवार आरएसएस ने के नगर कार्यवाहक को देर रात गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से नगर कार्यवाहक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल ही घायल को उपचार के लिए जैन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहाँ घायल का उपचार जारी है। घटना की जानकारी भाजपा ने एमपी एमएलए सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज का घायल का हाल चाल जानने पहुंचे। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। व्यक्ति पर अज्ञात हमलावर द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनको इलाज के लिए जेएनएमसी इसमें लाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज इत्यादि चेक करवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बस मुकंदपुर की घटना है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यालय हैं, उनको गोली मारी गई। एक बोलेरो में सवार होकर कुछ लोग आए और वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनकी गोली मारने के बाद गोली उनके पीठ में लगी है, उनके हाथ में फैला था और मोटरसाइकिल लेकर उनके लोग फरार हो गए। वो क्या जिन लोगों ने मारी, अज्ञात लोग थे या उनके कोई जानने वाले? अभी जिनकी गोली लगी है उन्होंने बस बताया कि वो लोग बोलेरो से आए थे, कोई पहचान नहीं पाया कि वो लोग कौन थे। फर्रुखाबाद जिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंके जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। इसको लेकर भाजपाइयों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर सैकड़ों भाजपाइयों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। ये पूरा मामला फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल गेट का बताया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की बदहाल हालत को दुनिया से बचाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने एक शर्मनाक बयान दिया और वो शर्मनाक बयान इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया। हम सब इस बयान की घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बदहाल व्यवस्था दुनिया के सामने जो आ रही थी, पाकिस्तान के पास मात्र 15 दिन का अर्थव्यवस्था बची है जिससे देश चल सकता है, दुनिया के ऊपर उसका ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ने सबसे बड़ा मुख्य कारण है
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बुलावल अभी भुट्टो ने जिस तरीके से देश के और देश के ही नहीं बल्कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन प्रदर्शन की है। और भारत से जो टकराएगा उसकी हैसियत क्या हो जाएगी, ये अभी कुछ ही दिनों में आपको महसूस भी होने वाला है। G20 की भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है और जिस G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम निशान है। अलीगढ़ में थाना मडराग क्षेत्र के मुकंदपुर गांव में अज्ञात कार सवारों ने बाइक सवार आरएसएस के नगर कार्यवाहक को देर रात गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से एक नगर कार्यवाहक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायल को उपचार के लिए जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहाँ घायल का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के MP MLA सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज घायल का हाल चाल जानने पहुंचे। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। व्यक्ति पर अज्ञात हमलावर द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनको इलाज के लिए JNMC इसमें लाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा लगातार CCTV फुटेज इत्यादि चेक करवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुकंदपुर की घटना है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर कार्यवाह हैं, उनको गोली मारी गई। एक बोलेरो में सवार होकर कुछ लोग आए और वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनकी गोली मारने के बाद गोली उनके पीठ में लगी है, उनके हाथ में फैला था और मोटरसाइकिल में लोग फरार। वो क्या जिन लोगों ने मारी, अज्ञात लोग थे या उनके कोई जानने वाले? अभी जिनकी गोली लगी है उन्होंने बताया कि वो लोग बोलेरो से आए थे, वो अभी पहचान नहीं पाया कि वो लोग कौन थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।